क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, हमें ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। तो ये इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 5, ओके। एंड ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, क्वेश्चन सेकंड, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, क्वेश्चन सेकंड। सो हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है सॉल्व करने के लिए बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट मतलब x या y दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट इक्वल कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन में आप देख सकते हैं x का कोफिशिएंट क्या है 1, और सेकंड में x का कोफिशिएंट क्या है 2। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएं। नेक्स्ट इसे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब देखो इस इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट इक्वल हो गए x के, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट नाउ, ओके। इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 2x प्लस 4y इक्वल टू 10। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के साथ लिखेंगे सेकंड इक्वेशन को, माइनस 2x माइनस 3y माइनस 8। तो ये 2 से 2x कट हो गया, 4y में से माइनस 3y जाएगा, कितना आएगा y, और 10 माइनस 8 कितना होता है 2। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 2। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या इक्वेशन सेकंड में रख दो, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो लेट पुट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इसमें अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा, पहले इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 5। तो इसमें 2 इंटू 2 y की वैल्यू 2 पुट कर दी इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 माइनस 4 मीन्स x इक्वल टू 1। तो दिस इज द सॉल्यूशन।